दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है, हमने नहीं किया। तो जाना दोस्तों, हमारे साहब जी बता रहे हैं कि जब गांधी फिल्म आई है तभी से लोग महात्मा गांधी को जानने लगे हैं, उससे पहले गांधी जी को कोई जानता ही नहीं था। ये हमारे साहब जी को पता नहीं किस चीज की बौखलाहट है, समझ में नहीं आ रहा है कि साहब जी क्या बोलें क्या ना बोलें। इस हिसाब से तो हमें लगता है कि जब से टॉयलेट फिल्म आई है बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि उससे पहले लोग हगना मूतना जानते ही नहीं थे, लोग लोटा लेकर खेत की पटाई और सिंचाई करने जाते थे। लगता है इतनी भीषण गर्मी में साहब जी को रैली करते करते उनको लू तो नहीं लग गया। साहब जी को नींबू पानी पीना चाहिए और अब आराम करना चाहिए। और जो लोग रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, ये सब किसी को कुछ नहीं पता था, तो भला हो मोदी जी का जो उन्होंने करोड़ों नौकरियां देने को और महंगाई कम करने को कहा, तभी लोगों को बेरोजगारी और महंगाई के बारे में पता चला, नहीं किसी को कुछ पता ही नहीं था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और कुछ लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए कहते हैं, भगवान भला करे मोदी जी का जिन्होंने राम मंदिर बनवाया, अन्यथा लोग राम को भी नहीं जानते हो रहे होंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। क्या बोला तूने? आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। ये भगवान क्या जुलूम है। तो सुना दोस्तों, हमारे साहब जी बता रहे हैं कि आलोचना अनिवार्य है, नहीं तो लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि साहब जी को किसी पुराने पीपल वाले भूत तो नहीं पकड़ लिया है, आजकल साहब जी का टेलीप्रॉम्प्टर भी फेल चल रहा है, इसीलिए किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे साहब जी को 7 दिन 7 घंटे 7 मिनट और 56 सेकंड तक बैठना चाहिए, ये टोटका होगा तो जरूर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। गजब बेइज्जती है। या फिर यह हमारे योगी बाबा का असर होगा, जो हमारे योगी बाबा नाम बदलने में माहिर हैं, इसीलिए लोकतंत्र का नाम बदल कर लोकचंद्र कर दिया है। और हमारे साहब जी चंद्रलोक भी बोल सकते थे, लेकिन उस दिव्य पुरुष की महानता है कि उन्होंने लोकतंत्र को केवल लोकचंद्र ही कहा। यही है साहब जी का जनता को मोहित करने का मंत्र, इसीलिए साहब जी ने लोकतंत्र को बदल कर किया है लोकचंद्र। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ।